नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का चैनल के ऊपर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम भाग करना सीखेंगे। थोड़े बड़े भाग हैं तो बड़े भागों को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जो बच्चे मैथ के अंदर कमजोर हैं, जिन बच्चों को भाग करना नहीं आता, तो वो जरूर वीडियो को जरूर देखें। तो चलो हम करते हैं। तो जैसे हम 3042 को हम 13 से भाग करेंगे और 9756 को हम 18 से भाग करेंगे, तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ जाएगा। एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसको आप आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो जैसे हम यहाँ हमारे पास इसके अंदर दो डिजिट हैं, तो जैसे हम 13 1 और 3, इसमें हमारे पास दो अंक दिए गए हैं, तो इसमें 3042 को हम 13 से भाग करेंगे। तो यहाँ हमारे पास अगर दो अंक है तो इसमें हम दो अंकों को उठाएंगे, तो दो अंक लेते तो हमारे पास कितनी संख्या हो जाती है, हमारे पास 30 हो जाती है। तो 13 का पाड़ा हमें भाग करने का नियम क्या कहता है भैया? तो जैसे जिस संख्या का हम पाड़ा पढ़ते हैं वो संख्या होनी चाहिए जिस संख्या का हम भाग करें, या फिर उसे हम छोटी संख्या डालते। तो 13 का पाड़ा हमें कहाँ लग पढ़ना पड़ेगा? 13 एकम 13 13 दूनी 26, 13 3 39। लेकिन 13 तक 3 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास संख्या ज्यादा हो जाती है, 39 ज्यादा हो जाते हैं, तो हमें 2 लग पढ़ना पड़ेगा। तो 13 का पाड़ा हम 2 लग पढ़ेंगे, 13 दूनी 26, यहाँ हम 26 लिखेंगे। इसमें इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ से कैरी उठा के हम यहाँ ले जाते हैं 0 के पास, तो हमारे पास कितने हो जाते हैं? 10। तो 10 में से हम 6 घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ बचते हैं 4, यहाँ 2 बच जाते हैं, तो 2 में से 2 घटाते हैं हमारे पास 0 बचती है। अगली संख्या को हम नीचे उतारते हैं, अब संख्या हो चुकी है हमारे पास 44। फिर 13 का पाड़ा पड़ेंगे, 13 एकम 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52। अगर हम 4 लग पाड़ा पढ़ते हैं तो बड़ी संख्या हो जाती है, तो हमें 3 लग पढ़ना पड़ेगा, 13 3 39। तो हम उस 3 को यहाँ लिखेंगे, हम 39, 13 3 39, इसमें इसको हम माइनस, तो 4 में से हम 9 को माइनस ही नहीं कर सकते, तो यहाँ से कैरी उठा के यहाँ ले जाएगी, यहाँ हमारे पास हो जाएगी 14, 14 में से हम 9 को घटाते तो हमारे पास संख्या बचती है 5, और इसमें से हमारे पास 0 बचती है। अगली संख्या को हम नीचे उतारते हैं, अब संख्या हो चुकी है हमारे पास 52। अब हम 13 का पाड़ा फिर पढ़ेंगे, 13 एकम 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52। तो हमारे पास संख्या मिलती है 52, तो हम पूरा डालेंगे इसके अंदर, तो 13 चौके 52, 4 को हम यहाँ लिखेंगे और 13 चौके 52, इसमें इसको माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ 0 बचती है। तो ऐसे संख्याओं का हम ऐसे भाग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। उसके बाद हम अगली संख्या को करते हैं, 9756 को हम 18 से भाग करेंगे। तो उसी तरह जैसे हमारे पास इसमें 2 अंक दिए गए तो हम भी यहाँ से 2 अंक उठाएंगे, तो 2 अंक लेते तो हमारे पास हो जाते हैं 97। तो 18 का पाड़ा पढ़ेंगे हम भैया, तो जैसे हमारे पास 18 के टेबल में 97 होने चाहिए, या फिर उसे हम छोटे डालते हैं, इसके छोटे लिखते हैं। तो 18 एकम 18 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72, और 18 5 90, 18 6 108। अगर हम 6 लग पाड़ा पढ़ते हैं तो हमारे पास 108 बड़ी हो जाते हैं, तो हमें 5 लग पाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 18 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 5 90, इसमें माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ 7 बचता है। ऊपर की संख्या को हम नीचे उतारते हैं, अब संख्या हो चुकी है हमारे पास 75। अब उसी तरह हम 18 का पाड़ा पढ़ेंगे, 18 एकम 18 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 5 90। अगर हम 5 लग पाड़ा पढ़ते हैं तो हमारे पास बड़ी संख्या हो जाती है, तो हमें 4 लग पाड़ा पढ़ना, 1 2 3 4, तो हमें 4 लग पाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 18 चौके कितना हो जाएगा? 72। इसमें इसको माइनस करते 5 में से हम 2 को घटाते हैं, हमारे पास यहाँ 3 बचते, यहाँ 0। अगली संख्या को हम कहाँ उतारेंगे? नीचे उतारेंगे। अब संख्या हो चुकी है हमारे पास 36। 18 का पाड़ा पढ़ेंगे हम, देखते हैं इसके अंदर 18 के टेबल में 36 होते हैं कि नहीं होते। 18 एकम 18 18 दूनी 36, 18 3 54। लेकिन 3 लग पाड़ा हमने पढ़ेंगे, क्योंकि 2 लग पढ़ते हैं तो हमारे पास 36 हो जाते हैं, तो उस 2 को हम यहाँ लिखते हैं 18 दूनी 36, तो इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 बचेगी। तो इस प्रकार हम ऐसी संख्याओं का भाग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और कमेंट के अंदर जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।